तो शुरू करें। एक बात बताओ भाई, पैसे के बिना कुछ होता है क्या? कोई सिस्टम, कोई बिजनेस, कुछ भी शुरू होता है क्या? तो कोई भी अगर सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना रहा है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। बस उसी चीज़ को बताने के लिए कॉन्सेप्ट है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, कि ये तय करना कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं। पहले ही निकाल लेना कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे को निकाल के हमें सारा काम कर लेना। क्योंकि अगर सिस्टम बन रहा है या सॉफ्टवेयर बन रहा है तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो हार्डवेयर को लाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, किसी मशीनरी के हार्डवेयर को लाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, अगर हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी सप्लाई में कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर हम लोग का सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा तो हम लोग कुछ लोग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, तो उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर हम लोग कोई चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे बिल्स आ जाते हैं, उसकी मशीनरी का खर्चा, सब कुछ, सिस्टम चलाना, मैनेज करना, कई सारे बिल्स आ जाते हैं। तो उन सारी कॉस्ट को निकाल के जब हमारा प्रोडक्ट बिकता है तो उससे हमारा बेनिफिट को निकालना और जो कॉस्ट आई है उसको भी पता करना, यही होता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मेन मकसद। तो अब हम लोग बात करते हैं ये लोग कितनी तरीके से क्लासिफाई होती है जो हमारी कॉस्ट होती है, बेनिफिट होती है। सबसे पहला होता है इनटेंजिबल और टेंजिबल कॉस्ट बेनिफिट। टेंजिबल कॉस्ट जो होती है, टेंजिबल बेनिफिट वो होता है जो कि मेज़र किया जा सके। मतलब हम लोग ने कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर खरीदा अपनी मशीनरी को चलाने के लिए, हमें सॉफ्टवेयर भी खरीदा, हार्डवेयर भी खरीदा, तो हम लोग को एक खर्चा मालूम है। जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा क्या है, टेंजिबल कॉस्ट। और उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें एक सेवरल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कई सारी चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, वो क्या है, हमारा टेंजिबल बेनिफिट्स। दूसरा आता है हमारा इनटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अब देखो भाई क्या होता है, इनटेंजिबल वो कॉस्ट होती है जो कि हमें दिख तो नहीं रही है एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वैल्यू उसकी जा रही है, जिसको हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर पा रहे, कहीं भूल चूक हो रही है, वो हमारी इनटेंजिबल कॉस्ट है। अगर एक एग्जाम्पल से लेके हटे, लीग से हटके, तो क्या होता है, घूस देना एक तरीके से हो सकता है। मान लो आपका कोई दोस्त है, वो काम नहीं कर रहा है, भाई 10 रुपये ले ले काम कर दे, तो ये क्या है, आपने 50 रुपये काम लीगली कराया लेकिन 10 रुपये लीगली दिए, तो वो क्या है, आपकी इनटेंजिबल कॉस्ट है एक तरीके से। इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस इनटेंजिबल कॉस्ट को देने से या उस इनटेंजिबल कॉस्ट को देने से जो इनटेंजिबल बेनिफिट मिलते हैं, काम जल्दी हो जाता है उस केस में, इस तरीके से इसमें भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसको आप को मिलते हैं अपनी कंपनी में, अपने सिस्टम में, और अब जो भी आप मशीनरी चला रहे हैं उसमें। जो आपका दूसरा होता है वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो हमारे कैश फिगर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के लिए एसोसिएट किया जाता है। मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हमारा जो भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टैक होल्डर्स हैं, हमारी जो भी कंपनी है, वो एक डायरेक्ट मनी आपको एक फिगर दे देती है, इस फिगर में आपको काम करना है फिलहाल के लिए, तो वो क्या होता है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। और कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हर तरह के होते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है, वो जो हमें मिलते हैं वो होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। इनटेंजिबल कॉस्ट वो होता है जो कैश डायरेक्ट सिस्टम या एक्टिविटी से नहीं आता है। मतलब जो एक बजट अमाउंट हो गया वो तो है, लेकिन कई ना कई बार हमें अपने पास से कुछ अमाउंट लगाना पड़ता है, कहीं ना कहीं से हम लोग को जुगाड़ करके चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, तो उसमें जो हमारी कॉस्ट जाती है वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो कि कैश डायरेक्ट सिस्टम से या जो भी कंपनी है उससे नहीं आ रहा होता है। तो इसी तरीके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो हमें बाद में पता चलते हैं कि हमने जो लगाया था उससे हमको औहदा मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो जाता है। जो तीसरा आता है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा सेम रहती है, ना कभी बढ़ती है ना कभी घटती है। इसको एक तरीके से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इंश्योरेंस का, ना कभी बढ़ रही है ना घट रही है, जो जाना है वही जाएगा और वही बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, टाइम पे इररेगुलर हो जाती है, चेंज हो जाती है, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो। अगर कोई कंपनी कोई मशीनरी लोन लेती है लॉन्ग टर्म पे, तो वो आज के ब्याज दर के अनुसार उसको लेती है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो ये एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट में हो जाता है। कभी कभी किस्त ज़्यादा हो जाती है, किसी कभी कभी किस्त कम हो जाती है, उसको एक तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट का। अब जो इसमें सबसे तीसरा और मेन आता है वो होता है इवैल्यूएशन मेथड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं हमारी कितनी आई है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट एनालिसिस। ये लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें कल क्या बेनिफिट्स होंगे इसको कंपेयर करना मुश्किल होता है। ये आपको बताता है कि आपने जो मनी इन्वेस्टमेंट की है उसका कितना रिटर्न आ सकता है कितने ईयर्स में। इस चीज़ को बनाने के लिए फॉर्मूला दिया गया है जो है F = P/1 + R / n।
जिसमें एफ जो है वो है आपका फ्यूचर वैल्यू, पी जो है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, आर जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, और वन तो भाई वन है। तो अगर आपको ये निकालना है कि आपने जो कंपनी है आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू डालिए, उसके अकाउंट में वन प्लस आर जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको डालिए, साथ में पावर एन कितने ईयर्स का है उसको करिए, और यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू आप ये निकाल सकते हैं आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। इसी तरीके से आप अगर आपकी फ्यूचर वैल्यू जो आई है उससे आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो अलग है, वो है नेट बेनिफिट एनालिसिस। ये होता है कि आपने जो भी सिस्टम बनाया उसमें कॉस्ट को इन्वेस्ट किया, आपका जो प्रोडक्ट गया उससे आपने सेल्स कॉस्ट एक तरीके से इकट्ठा की, तो उसमें आपको कितना फायदा हो रहा है। तो टोटल बेनिफिट जितना आपने मनी प्रोडक्ट से इकट्ठा किया, साथ ही साथ उसने ही प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट आई है उससे माइनस कर दीजिए, तो आपको जितना फायदा हुआ है, आपको जितना लाभ हुआ है, वो एक तरीके से नेट बेनिफिट एनालिसिस से निकल आएगा। तीसरा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इस समय आपकी प्रेजेंट वैल्यू कंपनी की क्या है, इस समय आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है। तो क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब इनफ्लो कैश का, एक कंपनी में कितना कैश आ रहा है, चाहे वो शेयर होल्डर से आ रहा हो, आपकी बिक्री से आ रहा हो, या तमाम अलग तरीकों से आ रहा हो, कोई भी तरीका हो, कितना इनफ्लो, कितनी मनी आ रही है उसको माइनस कर दीजिए कि कितनी मनी जा रही है, क्योंकि तो खर्चे जो जा रहे हैं, पैसा जो आ रहा है, तो जो पैसा आ रहा है उससे माइनस कर दो जो पैसा जा रहा है, तो उससे क्या निकल आएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू निकल आएगी। चौथा जो होता है वो होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस जो होती है, इसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपके पास एक फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप लोग ऊपर रखते हैं, और अपॉन में जो आपकी सेल्स पर यूनिट, आपकी जो भी एक यूनिट सेल हो रही है उससे आप लोग माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि जो चेंजमेंट होता रहता है साथ साथ, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको माइनस कर दीजिए जो सेल्स हो रही है उससे, और फिक्स्ड कॉस्ट के अपॉन रख दीजिए, तो आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो निकल आएगी। ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करिएगा। जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लेलिस्ट है, उसमें और वीडियोज़ पड़े हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंस के और वीडियोस आते रहेंगे, साथ ही साथ ई कॉमर्स और नॉलेज मैनेजमेंट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप देख सकते हैं और उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ साथ आगे सी प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर और कई चीज़ें आने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।